हिमाचल में लगातार हो रही बारिश अब सितम ढाने लग पड़ी है। राजधानी शिमला में वीरवार को हुई भारी बारिश के चलते शहर में कई जगह भूस्खलन होने और पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं शहर में कई सड़कें भी भूस्खलन से बंद हो गई हैं। राजधानी शिमला के होमगार्ड कार्यालय यूएस क्लब के पास बीते रात करीब 10:15 बजे भूस्खलन के कारण सड़क धंस गई है और यातायात प्रभावित हुआ है। हालांकि इसमें किसी तरह के जानी नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है। वहीं प्रशासन द्वारा सड़क को बहाल करने का काम जारी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से ब्रजेश चौहान की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी शिमला की तलहटी में बसी बाहरा यूनिवर्सिटी वानका घाट सोलन गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों से योग्य स्टाफ, शानदार कैंपस व बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा के लिए लाजवाब माहौल प्रदान किया जा रहा है। छात्रों की प्लेसमेंट को लेकर भी देश विदेश की नामी कंपनियों के साथ करार किया गया है। बाहरा यूनिवर्सिटी द्वारा 50 से अधिक कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनके लिए एडमिशन ओपन है। बाहरा यूनिवर्सिटी के चांसलर गुरविंदर सिंह बाहरा ने बताया कि योग्य स्टाफ के साथ बच्चों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान की जा रही है। बच्चों के लिए सुरक्षित व गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य है।